अगर किसी प्लेन मतलब किसी एयरलाइन का अगर इकोनॉमी क्लास ऐसा होता है, मैंने तो प्लान किया था वहाँ से लूंगा, बट नहीं फ्री मिले दो से। अपनी पूरी ऐश है, जेब में रखा कैश है। क्यों मोहित भाई? परफ्यूम लगाया भाई, रखा हुआ है। हाँ अच्छा है भाई, वेजिटेरियन। ओके थैंक यू। यहाँ पर ऑप्शन आपको ड्रिंक्स के भी मिल जाएंगे। ये हो गया रेड वाइन। फाइनली वेलकम आप सभी का थाईलैंड के अंदर। हमें फाइनली मिल चुका है भाई वीजा। हाँ जी कीमियो जी सारे सत श्री अकाल, नमस्कार, वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो भाई अभी मैं हूँ दिल्ली के टर्मिनल 3 पे, जी हाँ। और यहाँ से मैंने न जाने कितनी जर्नीज की है, डोमेस्टिक सिर्फ हैदराबाद, बेंगलोर, मुंबई, पता नहीं न जाने कहाँ कहाँ गया हूँ। बट आज मैं जा रहा हूँ भाई, मेरी पहली इंटरनेशनल जर्नी होने वाली है। सही सुना आपने, आज मैं जा रहा हूँ बैंकॉक थाईलैंड। और काफी समय से प्लान कर रहा था कि यार एक इंटरनेशनल जर्नी करूँ, बट आज जाके मेरे को मौका मिला इंटरनेशनल जर्नी करने का। और भाई ट्रैवल करेंगे आज थाई एयरवे से। सही सुना आपने, मैंने सोचा यार इंडिगो, स्पाइसजेट सब ट्राई किया हुआ है, बट आज इंटरनेशनल जा रहे हैं तो भाई एयरलाइन भी थोड़ी अलग होनी चाहिए ना। तो चलिए अंदर चलते हैं और आपको इस व्लॉग में ए टू जेड सारी डिटेल बताऊंगा। अगर आप प्लान कर रहे हैं बैंकॉक थाईलैंड के लिए तो क्या क्या आपको रिक्वायरमेंट्स होती है, डॉक्यूमेंट से लेकर ए टू जेड हर एक चीज मैं आपको इस व्लॉग में बताने वाला। तो भाई जरूर से ये व्लॉग देखना एंड तक, सच बता रहा हूँ एंड तक। और अंदर चलेंगे, पूरा एक्सपीरियंस बताऊंगा, लॉन्च में भी चलेंगे, हर एक चीज आपको इस ब्लॉग में देखने को मिलेगी। तो चलिए चलते हैं भाई और इस धमाकेदार जर्नी की शुरुआत करते हैं। बाकी भाई आज तो अच्छा खासा भीड़ है, अंदर चलेंगे, बट रश बहुत ज्यादा लग रहा है, काफी समय लग जाएगा आज तो। ऐसा कुछ दिखता है भाई टर्मिनल 3। चलिए जी भाई आ चुके हैं हम अंदर फाइनली। ज्यादा टाइम नहीं लगा, 10 मिनट भी नहीं लगे। और चलते हैं के काउंटर पे, बिल्कुल एंड पे, उधर इंटरनेशनल का काउंटर है तो वहाँ चलते हैं थाई एयरवेज का। आ चुके हैं यहाँ पर, लगेज पहले डिपॉजिट करवाते हैं फिर बोर्डिंग पास लेकर आपको मिलता हूँ। फाइनली मिल चुका है हमारे को बोर्डिंग पास। सबसे पहले चलते हैं भाई करंसी एक्सचेंज कराते हैं। ये सबसे पहली गलती जो मैंने की वो अपना करना, पहले देखते हैं यहाँ पर रेट क्या चल रहा है और कितनी मिनिमम रिक्वायरमेंट रहती है अगर आपको थाईलैंड जाना है तो। क्योंकि देखो बाहर से करा कर आओगे तो रेट थोड़ा अच्छा मिलता है, लेकिन मेरे को टाइम ही नहीं मिला। एकदम से प्लान बना, प्लान तो बन गया था बट टाइम ही नहीं मिला था। करंसी एक्सचेंज करा लिया, कितना करवाया है, कितना मिनिमम लगता है, सब कुछ मैं आपको सिक्योरिटी की बात बताऊंगा एक एक डिटेल। और आज मैं अकेला ट्रैवल नहीं कर रहा हूँ, आज मेरे साथ मोहित भाई ट्रैवल कर रहे हैं और भाभी जी ट्रैवल कर रहे हैं। कैसे हो जी? एकदम बढ़िया। एक्चुअली हम लोग तो लखनऊ में मिल लिए थे, प्रॉपर ब्लॉग नहीं हो पाया क्योंकि अक्षय का पूरा मतलब बैटरी डेड हो चुका, बिल्कुल 1% भी नहीं था। लेकिन वो जो टाइम हम लोगों ने स्पेंड किया ना थोड़ी देर के लिए, मजा आ गया। क्वालिटी टाइम था, काफी देर हम लोग लॉबी में बैठे हुए थे और प्लेयर सब तो ऐसे आसपास में बैठे हुए थे, नॉर्मल लग रहा था। मैंने अपने ब्लॉग में भी बताया था, सबसे पहले तो थैंक यू आपको यार, मौका मिला आपकी वजह से ही मौका मिला ना, नहीं तो मौका कैसे मिल रहा है, कितना मजा आएगा। वो तो ब्लॉग अलग था, ये ब्लॉग है इंटरनेशनल जर्नी। मैं एम वेरी वेरी लकी, सच बता रहा हूँ, मैं पहली बार मेरी इंटरनेशनल राइड हो रही है और वो भी मोहित भाई के साथ। भाई और क्या चाहिए, जिनको इतना एक्सपीरियंस है, देखो जितनी बार भी गए लेकिन हर चीज मैं कहता हूँ जर्नी कुछ नया सिखा कर जाती है आपको, और आपको इतनी पता लगी एक एक चीज तो मेरे को अब टेंशन नहीं है। पहले तो घबरा रहा था बट मैं अब कोई टेंशन नहीं है। तो चलिए चलते हैं फटाफट से, मजा आएगा। चलो चलो भाई, फाइनली जाकर हमारा सिक्योरिटी चेक हो चुका है और ज्यादा टाइम नहीं लगा, मतलब इतना भी नहीं था, ऐसे लग रहा था मुझे लाइन ज्यादा लंबी है बट नहीं। और आज पहली बार भाई दिल्ली एयरपोर्ट के इंटरनेशनल साइड पे आया हूँ और दिखाता हूँ आपको भाई क्या बना हुआ है यार। देख लो भाई ये रहा दिल्ली ड्यूटी फ्री, ड्यूटी फ्री। हाँ जी मोहित भाई देख लो यार, मैं ना जब भी आता था मैं डोमेस्टिक में उड़ के चला जाता था, मैं कहा यार एक बार देखूं सर यार, देख लो बिल्कुल लग, देखो भाई शॉपिंग मॉल बना रखा है, ये सामान थोड़ा सा बड़ा अच्छा अच्छा लग रहा है मुझे। देख लो अच्छा होटल खरीदोगे तो बैग गिफ्ट है। अच्छा यात्रियों करना पड़ेगा कुछ ना कुछ ऐसा। अरे रिश्तेदार वाले, तुमको 100% फोन आएगा आएगा, लेकिन मैं मुंबई उतरूंगा ना आते हो। अरे भाई मुंबई में भी तो ड्यूटी फ्री है। अच्छा बट ठीक है, डन। देख लो यहाँ पर चॉकलेट्स भी काफी अच्छी तरह की मिल जाएंगी, बट वो आते वक्त लेंगे है ना, अभी तो फायदा नहीं है, वहाँ से भी देखेंगे ना शॉपिंग क्या होगा। लाओगे तो वहाँ से लाओगे ना, अभी हम लोग तो खाते रहते हैं। सही बात है, वो तो हो गया सारा खाने पीने का तामझाम। और ये देखो सारे ब्रांड्स हैं और वो भी ड्यूटी फ्री, क्या बात है यार, मतलब लग ही लग रहा है। तो गेट मेरा है 17 पर, आ गए हम यहाँ पर फूड कोर्ट में और यहाँ पर काफी ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको। ऊपर हमारे यहाँ पर सामने लॉन्च भी है तो ट्राई करते हैं, अगर अपने को डेबिट कार्ड पे हो जाएगा तो चलते हैं लॉन्च में, थोड़ी देर स्पेंड करते हैं और दिखाते हैं आपको यहाँ का इंटरनेशनल का लॉन्च भी। लॉन्च के अंदर आ गए हैं और हमें ये सीट मिल गई, बिल्कुल बिल्कुल। आज फ्रूट्स हैं ये तो, पहले तो चलिए भाई कुछ खाने को लेते हैं पहले।
एक पीस और डाल देना बस, थैंक यू। लॉन्च में जैसे आया हूँ मैं, आपको बताई दिया, दिखा दिया मैंने, काफ़ी ऑप्शन तो नहीं थे, ठीक ठीक ऑप्शन थे। लाइव काउंटर दो थे जिसमें एक वेज नॉन वेज, वेज में मसाला डोसा टाइप है और ऑमलेट लिया, तो आपको एक बार मैं दिखा देता हूँ क्या क्या मैं लेकर आया हूँ और मोहित भाई भी क्या लेकर आए हैं, फिर टेस्ट करते हैं, फिर बताते हैं वो कैसा टेस्ट। बाकी ये डोमेस्टिक से अच्छा बना हुआ वैसे मैं कहूँगा तो यहाँ पर इडली ली है और ये हो गया पाव भाजी चटनी, साथ में ये ऑमलेट हो गए विद दिस मसाला डोसा। तो ठीक है, ये वाला मैं ट्राई करके बताता हूँ, मोहित भाई फिर बताएंगे ये चीज़ ये कैसा है टेस्ट में। अब करते हैं फटाफट से टेस्ट, देखते हैं भाई टेस्ट कैसा है। जब मतलब चीज़ें तो कम ही थी यहाँ पर, बट टेस्ट भी देखते हैं ना, पहले देखते हैं पाव भाजी कैसी है। पाव भाजी का टेस्ट तो काफ़ी बढ़िया है, साथ में मसाला डोसा भी देखते हैं कैसा है। देखो ऐसा है, पहले पेट बुझा फिर काम दूजा, आपको सारी डिटेल भी बताऊंगा हमारी कौन सी फ्लाइट है और हमने कितने में बुक किया, कैसे बुक किया, सब कुछ आपको मैं बताऊंगा, पहले कंप्लीट कर लेता हूँ। आने के बाद मैं लेके आऊँ स्वीट्स में ये, तो इसको कंप्लीट करता हूँ, साथ में जूस के भी ऑप्शन, कोल्ड ड्रिंक सब कुछ है, कॉफ़ी टी, तो मैंने ये जूस लिया। एक खाना पीना हमारा हो चुका है, कैसा लगा आपको खाना? खाना बहुत बढ़िया था, ऑप्शन कम था लेकिन बहुत बढ़िया खाना था। बाकी मैं बता दूं, मैं अकेला पहली बार नहीं जा रहा थाईलैंड, मेरा फर्स्ट इंटरनेशनल है। बट आप पहले गए हो कभी थाईलैंड? नहीं, एयरपोर्ट में गया हूं, जब मैं इंडोनेशिया गया था। अच्छा, बट थाईलैंड का भी घूमा नहीं हूं मैं, घूमने नहीं गए, तो इसलिए हमने पता क्या किया, हमने पैकेज ही ले लिया। अब कैसे प्रॉब्लम होगी, एक्चुअली मेरा एक दोस्त गया था तो मैंने मोहित भाई से डिस्कस किया, वो कह रहा था यार इतना बढ़िया एक्सपीरियंस रहा उसने पैकेज लिया था, फिर हमने भी पैकेज ले लिया तुरंत, सब कुछ कस्टमाइज किया। एंड सबसे पहले तो भाई स्पेशल थैंक्स टू जोली ट्रैवल्स, भाई उन्होंने मौके पे सारा सिस्टम कर दिया। तीन दिन पहले दो दिन बोलो ना, दो दिन रात में हम लोगों ने बोला था, दो दिन पहले हमने बोला भीम को भी हमने जाना है और उन्होंने पूरा बढ़िया, और भाई प्राइस फ्लाइट का जो हमें मिला उससे बहुत बढ़िया, क्या प्राइस दिया सब कुछ। आपको आने वाली सी पूरी सीरीज आएगी, सीरीज में आपको बताएंगे भी क्या क्या प्राइस हमें पड़ा है, और उनका एक स्पेशल ऑफर चल रहा है अभी 15,000 rupees का विदाउट फ्लाइट टिकट है, वो पैकेज दे रहे हैं थाईलैंड का, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा और सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, उनका कॉन्टैक्ट नंबर, उनका ऑफिस वहाँ पर पटाया में भी है थाईलैंड में भी, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली, हमें उन्होंने बोला है कि लोकल नंबर पर भी आप कॉल कर सकते हैं। चलिए वैसे बढ़िया रहेगा, अभी देखते हैं। एक बात है कि वीडियो को ना बिना स्किप किए देखना, क्या होता है कि हमारे पैकेज में क्या क्या इंक्लूड है, सब कुछ हम लोग A to Z बताने वाले हैं, और भी आप कुछ भी ऐसा मिस नहीं करने वाले हैं, और आपको वर्चुअली पूरा दिखाएंगे। देख लो, कभी कभी होता है, देखो मैं भी अफोर्ड नहीं कर सकता था, इस बार बहुत मुश्किल से सिर्फ आपके लिए यार, आपका प्यार, आप इतना कर रहे हो, तो एक बनता था ना इंटरनेशनल, तो देखो भाई थोड़ा पैसे जोड़ जोड़ के आया हूँ मैं भी, पर जिसका नहीं कोई अफोर्ड कर सकता तो भाई आपको वर्चुअली दिखा रहे हैं, ट्राई रहेगा आपको अच्छे से दिखाएं, ऐसा लगेगा आपको भी आप हमारे साथ ट्रैवल कर रहे हैं लगेगा, तो प्लीज़ कमेंट में बताना ज़रूर, और एक बाइक प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना, वो इम्पोर्टेंट है। तो ये हो गया भाई 20,000 थाई बाट, और देख लो भाई कुछ बड़े नोट लिए हैं, कुछ छोटे लिए हैं, क्योंकि कुछ भी ज़रूरत पड़ सकती है। देखो भाई आज तो भाई अपनी पूरी ऐश है, जेब में रखा कैश है, क्यों मोहित भाई? एकदम, बाकी मेरे नहीं है ये लो मोहित भाई, थैंक यू, वीडियो बनाना था, बाकी 10,000 rupees मैंने लिए। पैसा चाहे इंडोनेशिया को या फिर थाईलैंड को या फिर इंडिया को, खुशबू बहुत अच्छा इसमें लगी, नशा है ना, पैसा कमाने का नशा लगे, मेहनत करके शॉर्टकट लेके नहीं, फायदा नहीं है। बाकी मैंने भी 10,000 थाई बाट लिया है और मोहित भाई ने 20,000 पर पर्सन 10,000 का वहाँ की करेंसी, मतलब वो कह रहे हैं मिनिमम रिक्वायर्ड है, और मैंने पे किया इसके लिए लगभग 27,000 रुपये शायद, नियर अबाउट। बिल ले लेना जब भी आओगे, तो बिल ज़रूर ले लेना। आ चुके हैं भाई बोर्डिंग गेट पे, बोर्डिंग गेट है हमारा 17, और वैसे मैं बता दूँ आज मैं ट्रैवल कर रहा हूँ थाई एयरवेज से, और फ्लाइट नंबर है TG324 बोइंग 777-200ER। जी हाँ, 333 का कॉन्फ़िगरेशन रहेगा अंदर, बाकी रूट क्या रहने वाला है और कितने फीट तक जाएगा, आई गेस 39,000 feet के तक जाता है, और देखेंगे रूट मैं आपको सारा बताऊंगा अंदर चल के, कुछ ही समय हमारा बोर्डिंग स्टार्ट होने वाला है। बट एक चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, पहले सामने देख लो एमिरेट्स, उसमें ट्रैवल करना है, बोइंग 777-300ER सामने खड़ा है, एक बार भाई इसमें ट्रैवल करना है, और या फिर A380 में ट्रैवल करना है एक बार। ये है हमारा गेट 17 नंबर, तो यहीं से फ्लाइट भाई अभी थोड़ी देर में, टाइम देख लो 11 बजे का हमारा बोर्डिंग टाइम में स्टार्ट होने का, तो मैं कह रहा हूँ फर्स्ट फ्लाइट है तो एक बार तो अच्छी चीज़ दिखाना बनता है ना अच्छे से। आप तो रूट वगैरह भी, अक्षय का भाई ये है ना,
अक्षय इतना होमवर्क करके आया है, वो पूरा रूट वगैरह डिटेल वगैरह सब निकाल लिया, कहाँ से हम लोग फ्लाई करेंगे। एक्चुअली हमारा फ्लाई आवर भी बता रहा था अक्षय 3.5 घंटे, अपने वीडियो में बोला था 4.5 घंटा लगेगा, लेकिन वो फ्लाई आवर अलग होता है, अलग होता है, टोटल फ्लाइट का टाइमिंग अलग होता है। होमवर्क तो भाई ने किया है, कुछ ना कुछ पहली चीज है तो लोगों को। ये पहली चीज का बात नहीं है भाई, ये आप जरूर चेकआउट करना है। थैंक यू सो मच सर, ने बहुत हेल्प किया, आपके लिए भी है तो बताइएगा। बोर्डिंग हमारा स्टार्ट हो चुका है, मजा आएगा। वैसे मैंने ना अभी भी जब बताया था ना आपको, जॉली ट्रैवल्स बोल दिया था गलती से, जॉली हॉलीडेज है, तो वो थोड़ी मिस्टेक हो गई थी भाई। मज़ा आ गया, काफ़ी स्मूथ है। वैसे हमें बिजनेस क्लास का अपग्रेड मिल रहा था बट हमने लिया नहीं, क्योंकि ये जो इन्होंने सारा अरेंजमेंट किया ना, मैं दिखाना चाहता हूँ कि रियलिटी में कैसा है। मेरे को अभी तक तो अच्छा लग रहा है, बाकी सारी सीरीज फॉलो कर लेना। देख लो भाई, सामने हमारा थाई एयरवेज का प्लेन खड़ा है भाई, बहुत नेक्स्ट लेवल फीलिंग है ये फीलिंग, सच बता रहा हूँ, बहुत अच्छी फीलिंग्स है यार, मज़ा आएगा यार, मज़ा आने वाला है। हेलो, थैंक यू। चलिए भाई, लेट्स गो। तो भाई आई गेस ये बिजनेस क्लास का एरिया है सारा, वो भी आपको दिखा देंगे। अंदर आ गए हैं, ये जो स्टार्टिंग की सीट्स है ना, ये भी हमें मिल रही थी बट इसका 3000 रुपीज़ एक्स्ट्रा था, तो हमने कहा यार जो पैकेज में हमने लिया वही आपको रियलिटी दिखाएंगे ना। लेकिन हाँ यार, अच्छा है, स्पेस अच्छा लग रहा है, लेट्स सी। भाई ये रहा मेरा सीट 34K, मैं उधर उधर ढूंढ रहा था, तो 3x3 का कॉन्फ़िगरेशन रहता है इसमें। बाकी सारी चीज़ें बताता हूँ, पहले लगेज रख देता हूँ ऊपर। चलिए जी, अंदर बैठ गया हूँ मैं अपनी सीट पे, और ये तो हो गया भाई, आपको इंटीरियर दिखाया था अच्छे से एक बार। सामने आपको मिल जाएगी ये एक LED मतलब स्क्रीन लगी हुई है, ये हो गया ट्रे टेबल, तो ट्रे टेबल आगे पीछे होती है खाना पीना खाने के लिए, बढ़िया। और ये हो गया वाटर बॉटल के लिए या फिर कोई टी कॉफ़ी के लिए होगा, ठीक है। इधर हो गया आपका मैगजीन होल्डर, और ये हमारी फ़्लाइट है, देख लो, ये हमारा बोइंग 777-200ER। तो ऐसा कुछ है, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं, तो इसको एक बार अंदर ही रख देते हैं। ये हो गया लेगरेज, और ठीक है, मतलब मैं कहना चाहूँगा कि आप थाई एयरवेज ट्रैवल कर रहे हैं तो देखो स्पेस इनफ है, हो जाएगा ट्रैवल, और कितना टाइम लगेगा वो सब मैं आपको बताऊँगा। ऊपर मैंने अपना लगेज रख दिया है, काफ़ी लोग अभी बोर्ड कर रहे हैं, और साथ में आपको देख लो ये मिल जाएगा एक, ये सॉफ्ट सा पिल्लो टाइप, छोटा सा है बट हाँ अच्छा है, तो ये मिल जाएगा। बाकी ऐसा कुछ है, ऊपर आएंगे तो देख लो रीडिंग लाइट्स हो गया है, और ये कहाँ से कंट्रोल होता है वो सब मैं आपको बताऊंगा निकलने के बाद। इधर से ये देखो, ये रिमोट दिया हुआ है ना, तो इसको निकालेंगे तो इसी से सब कुछ कंट्रोल होगा, वो मैं सब आपको दिखाऊंगा बाद में। जैसे टेक ऑफ होता है तो इसको अंदर लगाते हैं, और बस ऐसा कुछ है, देख लो यहाँ पर बाहर के नज़ारे, विंडो भाई क्लीन मिल गई, सबसे मेन बात है विंडो क्लीन होनी चाहिए, क्योंकि बाहर के बादल भी इंपॉर्टेंट है ना थोड़े थोड़े। डिस्प्ले दिखा देता हूँ मैं आपको, तो इधर से कंट्रोल होता है सब कुछ, देखो आगे पीछे करना है तो इधर से होगा, एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं इसमें कुछ है तो बाकी आपको फ्लाइट चलेगी तो मूवीज़ टीवीज काफ़ी कुछ मिल जाएगा, तो वो आपको मैं दिखाऊंगा, तो इसी से सब कुछ कंट्रोल होता है, ठीक है। तो बस ये काफ़ी सही लग रहा है, ब्राइटनेस बढ़ानी है तो इधर से बढ़ जाएगी ब्राइटनेस, पर टच स्क्रीन नहीं है, ठीक है। अरे टच है क्या? हाँ टच है भाई, टच है, मुझे लग रहा था टच स्क्रीन नहीं है बट टच स्क्रीन है। निकलने से पहले हमें ये हेडसेट दिया गया है ये, और इसे हमें रिटर्न करना है, इधर मेंशन है सब कुछ, साथ ना लेकर चले जाना, क्योंकि यहाँ पर जो भी अनाउंसमेंट होगी सब कुछ हमें, देखो यहाँ पर कंट्रोल्स दिए हुए ना। बोर्डिंग डन हो चुका है एंड टाइम देखो राइट नाउ द टाइम इज 11:30, और टाइम है आई गेस 11:40 का डिपार्चर का, तो अभी अनाउंसमेंट हो रही जो चीज़ होती है आपको पता है, सेफ्टी इंस्ट्रक्शंस एंड ऑल, तो थोड़ी देर में बस टेक ऑफ हो जाएगा हमारा। फ्लाइट का ब्लॉक टाइम और फ्लाइट टाइम मैं एक बार डिफरेंस बता देता हूँ, जो फ्लाइट टाइम है वो रहेगा 3 hours and 30 minutes, और जो ब्लॉक टाइम है ना वो है 4 hours and 25 minutes के करीब। और ये जो इन्फॉर्मेशन है ना, मुझे इतनी नहीं पता थी, हमारे ट्रैवल विद सौमित भाई हैं, उन्होंने बताया यार उनको इतनी इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच ब्रदर, मज़ा आ रहा है यार उनके साथ, मतलब वो मेरी बहुत हेल्प कर रहे हैं। ऑलरेडी वो थाईलैंड गए हूँ, अगर आपने उनकी नई सीरीज़ देखी तो जाकर देखना, काफ़ी शानदार बनाई थी। मैं तो सिर्फ 2-3 दिन 3-4 दिन के लिए जा रहा हूँ, बट वो तो 10-15 दिन लगा कर आए थे। देखो एयर इंडिया का प्लेन आया, और वाहेगुरु जी का सिंबल देखो एंड पे, यार कितना सही लग रहा है ना, पहली बार देखा मैंने ऐसे। चलिए जी, ओम सह रहा हूँ एंड फाइनली, चलिए भाई टेक ऑफ हो चुका है। बताऊँगा टेक ऑफ का पता भी नहीं लगा, मतलब कितनी स्मूथ टेक ऑफ मैंने आज तक नहीं देखा। एक बार एयर इंडिया में ट्रैवल किया था, तभी वो 0.777
बंदा 300 ही आ रहा है, आज बॉइंग 777 200 ही आ रहा है, तो डिफरेंस कुछ ज़्यादा नहीं है, बट मज़ा आ गया अड्डे को, बहुत बढ़िया बात है। चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं, फूड मिलता है नहीं मिलता है। देख लो अभी ये हो गया फ्लाइट एंटरटेनमेंट सिस्टम सामने लगा हुआ है, तो इससे कंट्रोल कर सकते हैं आप। तो चलिए चेक करते हैं अब एंटरटेनमेंट में कुछ है क्या। पहली बात तो ये मैप नहीं वर्क कर रहा है, बट मैं बता दूंगा आपको कहाँ से हम होकर जाएंगे। अभी पैसेंजर अनाउंसमेंट हो रही है ना भाई, कुछ समझ नहीं आ रहा, इंग्लिश में हो रही है कभी कभी, बट ये आई गेस वहाँ की लैंग्वेज में ही हो रही है अनाउंसमेंट। तो ये छोटा सा सर मोड़ दिया हुआ है, लेट्स सी, देखते हैं। अब देखते हैं इसमें, देखो मैप वर्क नहीं कर रहा है, बट एंटरटेनमेंट वाला देखते हैं। और इसको क्लिक किया मूवीज़ में देखते हैं पहले आपको क्या मिलेगा। एक तो इसकी जो ब्राइटनेस है ना पूरी फुल की हुई है यहाँ से, बट फिर भी नहीं दिख रही। ओके, लिस्ट मिल जाएगी इसमें, न्यू रिलीज मूवीज़ हैं। आई गेस हमें इसमें हिंदी तो मिलने नहीं वाली, अगर आप ये सोचो एक्शन फैमिली मूवी सब ये हॉलीवुड ही मिलेंगी इसमें, तो ये रहेगा आपको इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ेगा। फूड सर्विसेज भी स्टार्ट हो चुकी हैं, टाइम देख लो 12:30 होने वाले हैं और सर्विसेज स्टार्ट हो चुकी। देखते हैं वेज नॉन वेज दोनों ऑप्शन है, बट मैंने वेज ही लिया। ओके, वेज वेजिटेरियन, ओके थैंक यू। ओके नॉन वेज आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल तभी तो। चलिए भाई ये हो गया वेज, अभी हमें मिल चुका है ये लंच कह लो, तो टाइम तो देख लो यार कितना हुआ है, तो फिर लंच ही समझो। और क्या क्या मिला है वो भाई एक एक चीज़ करके दिखाता हूँ। ये है रोस्टेड सॉल्टेड कैश्यूज हो गए, जिस वन इस बन बटर मिला है साथ में, और बटर देखो ना भाई वहीं, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ ये, तो इसको यहाँ पर रखते हैं। कप दिया हुआ है साथ में, फ्रूट्स मिल जाएंगे आपको फ्रेश फ्रूट्स। दिस वन इज़ डेजर्ट, लेट मी चेक इसमें क्या है। ये वेज लिया मैंने, तो वेज में ऑप्शन एक ही था इंडियन स्टाइल का, नॉन वेज में दो ऑप्शन थे। ये देखो ये पराठा टाइप है और ये कुछ है, इसको एक बार अनबॉक्स कर लेता हूँ अच्छे से। साथ में टिश्यू एंड कटलरीज मिला है विद वाटर बॉटल। चलिए टेस्ट देखते हैं, बताएंगे कैसा इसका टेस्ट। बाकी एक और चीज़ें मिली हैं वो मैं दिखाता हूँ। बाकी देख लो यहाँ पर भी वेज है और यहाँ पर ऑप्शन आपको ड्रिंक्स के भी मिल जाएंगे। ये हो गया रेड वाइन, दिस वन इज़ वाइट वाइन। अब आपको बता दें भी ये जो टर्म्स एंड कंडीशंस में सिर्फ सूंघने के लिए और रखने के लिए लिया है आपको, दिखाने के लिए बस कि क्या कहते हैं क्या क्या सर्विसेज मिलती है। और भी कुछ ऑप्शन है वो भी आएगा तो हम लोग लेंगे, दिखाएंगे आपको, वो दिखाएंगे, वो मैं ले लूंगा, इसलिए मैंने अभी तक कुछ नहीं लिया। फिर उसको वापस कर देंगे, इसको हम लोग प्रमोट भी नहीं करते भाई, मैं पहले बता दूं ये ऑप्शन है। हम लोग ये डिटेल वीडियो बना रहे हैं फ्लाइट का कि हाँ जी देखो आप, हम लोग नहीं लेते हैं बट लेने वाले तो लेंगे ना, तो इसलिए बता दिए कि हाँ ये ऑप्शन है, ऑप्शन मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप मत ही लेना, क्योंकि फ्लाइट में टर्बुलेंस होता है, किसी को कुछ प्रॉब्लम ना हो जाए। देखो ये हमारा एक्सपीरियंस कभी नहीं, लोग पीते भी हैं। और ये आपने नॉनवेज लिया है? मैंने नॉनवेज लिया, नॉनवेज में इनके पास दो टाइप का नॉनवेज था, एक थाई और एक इंडियन स्टाइल। इंडियन स्टाइल में अपना चिकन तंदूरी वगैरह का ऑप्शन था, और थाई में फिश वगैरह का दिखा दूंगा मैं, देखते हैं कैसा है। आप नॉन वेज टेस्ट करके बता देना, हम वेज बता देंगे, ठीक है जी। चलो डन। तो ड्रिंक्स के ऑप्शंस आ गए हैं, तो सॉफ्ट ड्रिंक वाइन तो वो चीज़ें मिल जाएंगी, लेट मी चेक। ड्रिंक्स के ऑप्शंस काफ़ी ज़्यादा थे, मैं बता देता हूँ। वाइट वाइन जैसे अभी यहाँ पर देख लो, रेड वाइन लिया हुआ एक वाइट वाइन है, साथ में आपको विस्की का भी ऑप्शन मिल जाएगा, बियर भी मिल जाएगी, तो ये मैंने बियर ली है, बडवाइजर भी थी बट ये वाली बियर लिया। हाँ ये भाई बियर सिर्फ दिखाने के लिए लिया है, पीछे भाई बैठे थे उनसे ले लिया, मैं एक बार बियर देना तो पीऊँगा नहीं, मैं आप वापस कर रहा हूँ यार, जैसे ना सोचना। बाकी वैसे कभी कभी चलती है, ऐसी कोई बात नहीं है, पीने को मैं पी सकता हूँ, बट यार ट्रैवलिंग कर रहे हैं ना और ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो वो सही नहीं रहेगा। टेस्ट करने के लिए तो अभी सारी चीज़ें ही हैं, तो इसको पहले टेस्ट करते हैं और बताते हैं कैसा इसका टेस्ट। ये तो मैं बता रहा हूँ आप आराम से रीयूज़ कर सकते हो, और हम लोग के बहुत काम आता है, हम लोग जो बस जर्नी वगैरह करते हैं ना, दो के हिसाब करके रख सकते हैं आराम से, बहुत अच्छी क्वालिटी का है यार, मज़ा आ गया। सबसे पहले कुलचा एंड पनीर की सब्ज़ी को, अच्छा है ना पनीर यार, अच्छा टेस्ट में काफ़ी बढ़िया है। थोड़ा खाना ठंडा हो गया, गरम आया था, लेकिन भाई शूट थंबनेल पता है ना आपको। दाल देखते हैं, दाल देखो कितनी मतलब बहुत ही बढ़िया है, और मैं बता दूँ अनलिमिटेड अगर आपको और चाहिए तो आप ले सकते हो, बट थोड़ा शर्म होती है ना, वो लिहाज कर लेना, ऐसा ना हो ना मंगवाते रहो, ठीक है। बाकी ड्रिंक्स में भी ऑप्शन आपको मैंने दिखाई दिए,
चलिए इसको भाई फिनिश करते हैं, बाकी मीठा और फ्रूट को एंड में मैं आपको टेस्ट बता दूंगा। मोहित भाई से पूछते हैं, मोहित भाई आपको कैसा लगा नॉन वेज? भाई नॉन वेज बहुत अच्छा है, लाइक मुझे होता है ना जैसा लोग चिली फिश राइस खाते हैं वैसा है, खट्टा मीठा टाइप का, मतलब बढ़िया ओवरऑल बढ़िया फ्रेश है। अच्छा, फिश उन्होंने दिया है ना फ्रेश है, अच्छा लग रहा है वैसे। अच्छा लग रहा है। और ये आपको कैसा लगा वेज वाली? अभी जस्ट मैंने लंच कह लो कम्प्लीट किया था तो हमें मिला ये सिम। भाई प्लेन में सिम मिल रहा है वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, देख लो यहाँ पे लिखा ना फ्री सिम प्लस 8 GB इंटरनेट भी। तो आपको पता है ब्लॉगर्स को तो भाई नेट चाहिए चाहिए, मैंने तो प्लान किया था वहाँ से लूंगा बट नहीं, फ्री मिले, 2 सिम ले लिए। और यहाँ पर एक्टिवेशन का प्रोसेस लिखा हुआ है, भी कहाँ पर जाना वो मैं आपको बता दूंगा, लैंड होने के बाद मैं आपको बता दूंगा सब कुछ। अब मैं आ गया भाई थाई एयरवेज के वॉशरूम के अंदर, सोचा वॉशरूम भी दिखाते हैं। और ये मेरा पुराना फोन से शूट कर रहा हूँ, एक्चुअली वो बिल्कुल डिस्चार्ज हो गया और चार्जिंग चल नहीं रहा था, शायद जैक का इशू था, बट हाँ आगे जाके चार्जिंग लगाया तो वो चल गया, अब थोड़ा चार्ज हो रहा है। बट आपको एक वॉशरूम दिखा देता हूँ, ऐसा कुछ वॉशरूम है, छोटा सा वॉशरूम है जैसे डोमेस्टिक में होता है ना सेम वैसा से ये। यहाँ पर देख लो पानी आ रहा है, बिल्कुल सोप रखा हुआ है और टिश्यूज हैं, यहाँ पर टाल है इधर, और इधर आएंगे तो बिल्कुल क्लीन है, नीट एंड क्लीन मिल जाएगा वॉशरूम। और आई गेस दिस वन इज पता नहीं क्या है, परफ्यूम है क्या यार? हाँ आई गेस ये परफ्यूम लगाया भाई रखा हुआ है। हाँ अच्छा है भाई, अच्छा लग रहा है, परफ्यूम है तो यूज़ कर सकते हैं। ये सही दिया भाई उन्होंने, आपके सब फ्लाइट में सो रहे हैं जितने भी जने हैं ना, ऑलमोस्ट सारे सो रहे हैं पूरी पूरी सीट्स पे। भाई फ्लाइट ज़्यादा ऑक्यूपाइड नहीं है ना इसलिए, बाकी मोहित भाई भी सो रहे हैं यहाँ पर देखो। चलिए चलते हैं अपनी सीट पर जी, देख लो आपको यहाँ पर ये ब्लैंकेट भी मिल जाएगा थाई एयरवेज से, अगर आपको सोना है रेस्ट करना है तो ब्लैंकेट अवेलेबल है, तो ये भी बहुत अच्छा और बिल्कुल फ्रेश ब्लैंकेट। भाई कुछ ही समय में पहुँचने वाले हैं, लैंडिंग के लिए तैयारी हो चुकी है, ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स लगेंगे। वैसे अगर मैं रूट की बात करूँ तो ये वाराणसी होकर और आसनसोल कोलकाता के साइड से और यनगांव होते हुए हम जा रहे हैं बैंकॉक, और अभी जस्ट हमने शायद यनगांव क्रॉस किया है। तो वैसे जो डिस्प्ले है ना वो नहीं चल रही, ये जो डिस्प्ले है ना ये इसमें मैप नहीं दिख रहा है, तो बस फिर अपना यही है, अपने को रूट पता है, सोमित भाई ने बता दिया था। तो लैंडिंग की तैयारी हो रही है, आपको दिखाते हैं भाई फिर बढ़िया से लैंडिंग। 3:10 हुआ है और चार्जिंग लगाओ मेरा फ़ोन, अभी कुछ ही समय में लैंड करने वाले हैं। और मैं बता दूं ये इंडिया का टाइम है और हमने स्टार्ट किया था 12:05 पे, मतलब ऑलमोस्ट 3:05 हुआ है, वही 3:30 का आपको मैंने बताया था। देख लो लैंडिंग होने वाली है हमारी, तो आपको एक बार लैंडिंग दिखा देते हैं फटाफट से। चलिए भाई फाइनली देख लो टाइम 3:30 हुआ है इंडिया के हिसाब से, और फाइनली लैंड कर चुके हैं हम बैंकॉक में। अगर मैं आपको बाहर दिखाऊँ ना तो मुझे तो ऐसा लगता है डेडिकेटेड सिर्फ टर्मिनल थाई एयरवेज के लिए। भाई साहब एक से एक प्लेन देखो, एक और वहाँ से लैंड हो रहा है, सब थाई एयरवेज दिखेंगे आपको यहाँ पर। देखो जहाँ भी नजर जाएगी सिर्फ थाई एयरवेज, मे भी हो सकता है भाई डेडिकेटेड टर्मिनल इसी के लिए हो, जैसे दुबई में डेडिकेटेड है ना एमिरेट्स के लिए। वो टाइम देख लो भाई 5:05 हो गया, 5:07 हो गया टाइम, और लैंड भी कर चुके हैं। जो ऑफिशियल टाइम था वो था 5:35 का, 30 मिनट बिफोर हम लैंड कर गए थे देख लो। बाकी यार ये चीज़ तो मैं अब देख रहा हूँ, देखो ना ये चीज़ तो मैंने पहले देखी नहीं थी, तो ये भी आपको बता दिया तो मैं जा रहा था पता लगा। चलिए भाई बैग निकाल लिया, चलते हैं बाहर। भाई दिस इज बिजनेस क्लास, इधर का बिजनेस क्लास है, काफी अच्छा लग रहा है ना, बहुत सही लग रहा है। कोई नेक्स्ट टाइम करेंगे ट्रैवल। हाय थैंक यू सो मच। अरे भाई एसी नीचे लगाया, नीचे लगाया हुआ एसी। चलिए भाई वाह यार, वेलकम है आप सभी का स्वर्ण भूमि एयरपोर्ट पे, पहुंच चुके हैं बैंकॉक में और फाइनली मजा आ गया। चलो भाई मोहित भाई आइए बताओ कैसा लगा, राइड कैसी लगी? भाई मतलब मैं बता रहा हूँ, अगर किसी प्लेन मतलब किसी एयरलाइन का अगर इकोनॉमी क्लास ऐसा होता है तब तो भाई मैं इकोनॉमी आराम से, मैं इसमें
10 से 12 घंटे का जर्नी कर सकते हैं। कंफर्टेबल कंफर्टेबल था बहुत ज्यादा। आप तो सो गए थे ना? मैंने देखा मोहित भाई को, आपने देखा ही होगा, मोहित भाई आराम से सो रहे हैं। ब्लैंकेट भी दिया था, सर्विस भी बहुत अच्छा। और आपने नोटिस किया एक चीज, वॉशरूम में परफ्यूम रखा हुआ था? हाँ, मैंने दिखाया वॉशरूम में परफ्यूम भी था। चलते हैं देख लो वीजा ऑन अराइवल इस साइड पे, पहले वीजा ऑन अराइवल देखते हैं। हाँ, बाकी वीजा ना ऑन अराइवल ही, जैसे आपने देखा तो पहले से कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस वहाँ पे स्टैंप लगेगा दिल्ली में, यहाँ पर पे करना है और आपको वीजा मिल जाएगा। बाकी देखते हैं, कुछ पूछते हैं क्या रहता है, सब कुछ आपको मैं बताऊंगा। एक्चुअली क्या है ना कि हम लोग जैसा देखो कभी भी ऐसे इंटरनेशनल ट्रिप करते हैं तो वीजा लेकर चलते हैं। हाँ जी, या फिर सारा जुगाड़ करके चलते हैं। यहाँ पे तो क्या है, वीजा ऑन अराइवल है। अच्छा, तो आप इमिग्रेशन से पहले आपको वीजा लेना पड़ेगा। अच्छा, चलो पहले यहाँ पे फॉर्म भरना पड़ेगा ना। इंडिया का कहाँ है? हाँ ये रहा वीजा ऑन अराइवल, देख लो किस किस कंट्री के लिए एलिजिबल है। तो इंडिया आ रहा है, चाइना, भूटान, काफी कंट्री, आप पॉज करके देख सकते हैं। और ऐसे फॉर्म्स भरने, ये फॉर्म मिल गया हमें, तो फॉर्म भरते हैं इसको फटाफट से। तो भर लिया है बट कुछ फोटोज हाँ मेरा चल जाएगा, तो यहाँ से फोटोज करानी पड़ती हैं। 300 बाट लगा है एक जने का 6 फोटोज का, तो मेरे पास थी वो चल जाएगी। अभी अगर आप आ रहे हैं तो फोटो चल जाएगा। कितना लगा? 300 थाई बाट, मतलब समझ लो 600 रुपये। अच्छा, 620-630 कुछ रुपये लगा है इंडियन करेंसी। 6 फोटो हो रहे, बाप रे। फाइनली वेलकम आप सभी का थाईलैंड के अंदर, हमें फाइनली मिल चुके भाई वीज़ा ऑन अराइवल था, सब कुछ क्लियर हो गया है, फीस भर दी है। कितनी फीस भरी है तो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले भाई लगेज ले लेते हैं, लगेज बहुत इंपॉर्टेंट है। और अभी मोहित भाई का ही बैग ये रह गया था, ये अंदर ही बुलाए थे जहाँ लिख रहे थे ना, फॉर्म भर रहे थे। फॉर्म में सारी डिटेल है, जो जो पूछा है वो मैं आपको बताऊंगा। भाई इतना बड़ा एयरपोर्ट है ना, मैंने आज तक बेल्ट नंबर 1920 तो देखा ही नहीं था, वो हमारा 7 नंबर पे जाना है। चल चल के थक गए हैं, हमारा ही लगेज, हाँ तीनों का लाइन से आ रहा है, फिर हमारे ही बैग रह गए हैं। कि बैग लेने के बाद हमें पीछे काफ़ी सारे सिम के मिल रहे हैं हमें, बट मैं पहले ट्राई कर रहा हूँ जो फ्री में मिला था ना, इसका क्या सीन है पहले ये चेक करते हैं। फिर हाँ, आई गेस हमारा काउंटर है, वो चेक करके आते हैं, फिर यहाँ से लेंगे और रेट बता देंगे कितने में मिल रहा है और कौन सा बेस्ट है। मैंने सिम भी ले लिया, और जो वो हमें प्लेन में मिला था ना वो सिर्फ एक दिन के लिए फ्री था, 8 GB शायद, पता नहीं। तो लेकिन मैंने भाई 4 दिन के लिया है, टिल 8th के लिए है, 200 बाट मैंने दिया था बाट, तो अनलिमिटेड इंटरनेट 5G बढ़िया है, उधर से मैंने उसी में कन्वर्ट करवा लिया, बहुत सही हो गया भाई, बढ़िया से मिल गया। बाकी ट्रू 5G बहुत दिख रहा है यहाँ पर, बट उसका भी स्पीड अच्छा। मैंने आरती घर वालों से बात की, वीडियो कॉल की, यार आपको पता है ये ज़रूरी है। गेट्स बने हुए हैं 4 नंबर, हमें जाना है 3 नंबर पे, और जो हमें पिकअप करने आ रहे हैं ना तो वो 3 नंबर से ही आएंगे। हम जा रहे थे सो अभी मिल गए हमें। ओके श्योर। तो देख लो यहाँ पर नेम लिखा था मोहित भाई का यहाँ पर, और 3 जनों का वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। बाहर आ चुके हैं, अब देखते हैं गाड़ी हमारी 2233 है, नॉट शोर दिस वन। हाय या हेलो, आई लाइक टू दैट। ये देख लो ये गाड़ी हमारी कैमरी, भाई साहब ये सही है यार। निकल चुके हैं एयरपोर्ट से, देख लो ये है एयरपोर्ट की एग्जिट, और ये है हमारी गाड़ी, मस्त मजे से यहाँ पर देखो ना एयरपोर्ट दिख रहा है इस साइड पे भी। क्या बात है यार, इसी चीज को एक्सपीरियंस करने आए हैं हम स्पेशल यहाँ पर। फॉरेन कंट्री है, करेक्ट मोहित भाई, आपको कैसा लग रहा है? आप तो बहुत बार गए हो। नहीं नहीं बहुत बार नहीं भाई, यहाँ कहाँ आया हूँ मैं, यहाँ मेरा भी फर्स्ट टाइम है, और वो एक्साइटमेंट रहता है तो फर्स्ट टाइम यार, तीनों का ही फर्स्ट टाइम, करेक्ट, तभी तो हमने पैकेज लिया ना यार। यहाँ पर भी गर्मी बहुत ज्यादा थी, वैसे मैं बता देता हूँ हमसे क्या क्या पूछा। सिंपल हमारा फ्लाइट टिकट देखा, रिटर्न का फ्लाइट टिकट, और हमने फॉर्म भर दिया था जो आपको दिखाया अच्छे से, कहाँ रुके हो क्या है सब कुछ उसमें फॉर्म में फिल था। फोटो लेकर आना जरूर से, वो कंपलसरी है, वाइट बैकग्राउंड वाली। अगर नहीं है तो वहाँ पर आपको पता ही मोहित भाई ने पैसे दिए थे, तो आपको यहाँ पर देने पड़ सकते हैं। इंडियन करेंसी ऑलमोस्ट 630-640 रुपये 6 फोटो का, बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। सेकंड थिंग हमारा सीधा कुछ नहीं पूछा, डायरेक्ट गए और हमारा ठप्पा लग गया। और हमारा कितने रुपये लगे वो मैं बता देता हूँ, 2200 थाई बाट, सही बता रहा हूँ आपको लगेगा ये बिल्कुल इतना चार्ज लगा है हमारा 2200 थाई बाट, और हमारे को स्लिप मिली है 2000 थाई बाट की, और 200 रुपये समझने वाले समझ जाओ अभी क्या सीन है। इसकी वीडियो को यहीं पर रखते हैं, ये था इस सीरीज का पार्ट 1, मैंने स्टार्ट किया था इंडिया से, दिल्ली से, कैसी लगी जर्नी बताना, मेरे को तो मजा आ गया भाई थाई एयरवेज में ट्रैवल करके, और अच्छा अरेंजमेंट चल रहा है। और अभी हम यहाँ से जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं,
वो आपको नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिलेगा भाई। बढ़िया ड्राइव होने वाली है आपको भाई, कार राइड भी दिखाऊंगा और उसमें व्लॉग में काफी चीजें आपको मैं दिखाने वाला हूँ, तो इस सीरीज को पूरा देखना। और जो पैकेज मैंने लिया वो सब कुछ इसमें इंक्लूड है, क्या है वो सारा आने वाले टाइम में आपको पता लगता रहेगा। ये मेरा भाई फर्स्ट ट्रैवल जर्नी थी, इंटरनेशनल फर्स्ट मेरी फ्लाइट व्लॉग था, मुझे तो बहुत मजा आया। आपको कैसा लगा प्लीज बताओ यार, कमेंट करो, लाइक कर देना इस वीडियो को और सब्सक्राइब जरूर से करके जाना चैनल को। मिलूंगा आपको नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।